हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आरपीएससी की तरफ से जो है बायो का जो रिजल्ट है वो आ चुका था। कट ऑफ जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। अब जो है फिजिक्स विषय का रिजल्ट आ चुका है और आप अपना जो है रोल नंबर देख सकते हो। 125 बच्चों का जो है वो रोल नंबर यहाँ पर आया है, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि आपका जो है रोल नंबर इसमें है या नहीं है, तो आप अच्छे से जो है अपना रोल नंबर देखें। उसके बाद जो है मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर कट ऑफ जो है वह कितनी आई है, तो यहाँ कट ऑफ आप देख सकते हो कितना अंतर रहा है कैटेगरी वाइज। जनरल की अगर हम बात करें तो कट ऑफ 227.22 आई है। ठीक है, वहीं ईडब्ल्यूएस की आप देख सकते हो कि 193.12 आई है। ठीक है, तो काफी जो है वो अंतर आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिल रहा है, तो ज्यादा कट ऑफ हाई भी नहीं गई है। ये आप देख सकते हो एससी की जो है 168 है। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी की जो है वो 211 है, एमबीसी देखो 199.42 है। तो ये जो है कट ऑफ है। तो ये तो फिजिक्स की है, और बायो की भी दोबारा से आप देख लें कि कितनी कट ऑफ गई थी। अभी मैं आपको दिखा दूंगी दोबारा से। यहाँ पर जो है तीन बच्चों का परिणाम जो है रोक दिया गया है। ये तीन रोल नंबर है और किसी कारणवश जो है प्रशासनिक कारणों से जो है इनका परिणाम रोक दिया गया है। अब ये देखिए बायो वाले जो स्टूडेंट थे, तो ये भी दो गुना बच्चों को बुलाया गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। ये भी 330 बच्चे, सभी अपने कागज जो है वो सही करवा लें। जिनकी भी कोई मिस्टेक है या कोई कागज रह गया है तो सभी जो है वो अपनी तैयारी में लग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ है देखिए, यहाँ पर भी जनरल की कट ऑफ जो है कितनी गई है, 272.09, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की ज्यादा डाउन नहीं गई है जितना की फिजिक्स में गई है, 246.33 है। वहीं पर एससी की देख सकते हो 232.42 है, एसटी की जो है 178.62 है, ओबीसी की 256.80 है। ये बायो के स्टूडेंट की है। वहीं एमबीसी की जो है वो 213 है। ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बताया गया है कि जो तीन बच्चे हैं यहाँ पर भी जो तीन अभ्यर्थियों का परिणाम जो है वो रोक दिया गया है। तो इस तरीके से जो है कट ऑफ जो है वो आप आइडिया लगा सकते हो आपके जो भी सब्जेक्ट हैं कि अब जो है कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। तो ज्यादा कट ऑफ तो नहीं गई है, ये भी आप देख सकते हो। तो चलिए इसी तरीके से जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे तो मैं आपको बताती जाऊंगी और आप अपने रोल नंबर जो है वो देखते हुए जाए। और आप खुद भी जो है वो साइट पर जाकर देख सकते हो। आरपीएससी आप जैसे ही साइट पर जाएंगे और आरपीएससी जो है वो आप टाइप करेंगे तो वहां पर जो पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको जो है परिणाम पर जो है क्लिक करना है और उसके बाद जो है अपने सब्जेक्ट वाइज जो है वो डाउनलोड करते हुए जाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप जो है वो डाउनलोड करें। तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो आप देख सकते हो, आप लोग जो है वो गूगल पर RPSC जैसे ही ये टाइप करते हो ये पेज ओपन होगा। आपको कहाँ जाना है, यहाँ RPSC होम। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक। तो इसमें लास्ट में जो आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट प्रेस नोट और रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जो है वो जो भी बच्चे फिजिक्स के हैं फिजिक्स का रिजल्ट देख सकते हैं, बायो के हैं तो बायो का देख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि रिजल्ट कैसे देखना है, ठीक है, कैसे जो है आपको ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो आपको देखनी है। इस तरीके से जो है जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे मैं आप लोगों को सूचना देती जाऊंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।